हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम छोटा सा व्लॉग बनाते हैं। तो आज हमने घर पे बनाई है रसमलाई। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है, पता नहीं कैसी बनी है, तो अश्विन को टेस्ट कराते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। ये आपने खुद बनाई है? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है। सब लोग बनाते थे, मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती थी। ये बंगाली मिठाई है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बार ट्राई करूँ, तो फिर ऐसा लगता था मैं ट्राई करूँ, मुझे मेरे पास नहीं होगी, लेकिन हो गई है। आज पता नहीं अभी टेस्ट में तो कैसी है। अबे ठीक है, मुझे दो तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ। स्टॉप मत करना। स्टॉप नहीं किया है, वीडियो चालू है आपका। चलो बस ठीक है, इतना ही। किसको बताना है, मुझे तो सिर्फ टेस्ट ही करनी है। ठाकुर जी को धराओ, बाद में टेस्ट करो और बताओ कैसी लगी। चलो ठीक है, ठाकुर जी को जमाता हूँ। महाराज जमो। और हमें भी थोड़ा प्रसाद दीजिए। कैसी बनी? वाओ, सो टेस्टी। थैंक यू। अश्विन जब ऐसे ऐसे बोलता है, ऐसे बोलते हैं ना कि टेस्टी बना है, तो मुझे पता नहीं ऐसा अंदर से ऐसा होता है कि मैं दूसरी बार बनाऊंगी, लेकिन ऐसा बोला कि अच्छा नहीं बना है, तो वही रुक जाता है वो। कभी मैं उसके पीछे मुड़कर भी नहीं देखती हूँ। अश्विन तो इसका तो प्लस पॉइंट है, उसको किसी भी चीज में नमक भी ना होने तो भी वो नहीं बोलते हैं, तो इसमें तो क्या बोलेंगे वो। इसमें तो मैंने केसर बादाम डाला है। रसमलाई बहुत अच्छी लगी। अब मैं टेस्ट करती हूँ, पता नहीं वो झूठ बोल रही है कि सच बोल रहे हैं, लेकिन मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ कैसी बनी है। आपको टेस्ट करना है? बहुत अच्छी बनी है, आपको भी खाना हो तो आ जाओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब रसमलाई खा के एंजॉय करते हैं। बाय।